हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले 64वीं बीपीएससी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में तमाम बातें कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, परीक्षा कब होने वाला है, तो इन सारी बातों का खुलासा इस वीडियो में किया जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आए बीपीएससी से जुड़े हुए और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए, सबकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। और सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक लोगों तक करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग की, जो कि बिहार का है, और की ओर से जो कुछ माह पहले ही संबंधित विभागों से जहाँ से वैकेंसी आनी है, 2018 की रिक्तियाँ मांग ली गई हैं। आयोग का उद्देश्य परीक्षा कैलेंडर में सुधार करना भी है। पूर्व में ही रिक्तियां मांग लेने से आवेदन की प्रक्रिया समय से शुरू हो सकेगी। इसके बाद कम से कम समय में पीटी का आयोजन किया जा सकेगा और परीक्षा पूर्व से निर्धारित पैटर्न पर ही होगा। देखिए, बीपीएससी जो परीक्षा संभावित है नवंबर या दिसंबर में जो है ले लेगी, ठीक है। अब देखिए, 64वीं बीपीएससी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जो है 1235 पद जो है, ये इसके लिए जो वैकेंसी मांगी गई है। इसके अलावा भी जो है प्रोबेशन ऑफिसर और कारा अधीक्षक के पदों के लिए आवेदन मांगे जाने की जो भी संभावना है, जो कि बढ़ जाने के बाद 1276 के आसपास हो जाएगा। तो कम से कम दोस्तों लगभग 1300 पद जो है 64वीं बीपीएससी के माध्यम से जो है भरा जाएगा। अब देखिए, कौन कौन से विभाग द्वारा यानी किस किस पद पे कितनी रिक्तियां हैं, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ये तो एग्जाम जो होगा नवंबर दिसंबर में पीटी की परीक्षा का जो है संभावना है। उसके बाद देखिए, राजस्व पदाधिकारी या समकक्ष ग्रेड जो कि सबसे अधिक है, 571 पद है। उसके बाद आपूर्ति निरीक्षक के 223 पद, ठीक है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी यानी कि जो वीडियो है, इस वीडियो पद के लिए जो है, तो क्षमा करेंगे दोस्तों, यहाँ प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एक्चुअली वेलफेयर ऑफिसर है, ठीक है। यहाँ वीडियो नहीं है, वीडियो जो है ग्राम विकास पदाधिकारी, ये हो जाएगा ग्रामीण विकास पदाधिकारी जो है, जिसके 51 पद हैं, यानी कि वीडियो के यही RDO जिसको बोला जा रहा है, और यही जो है ब्लॉक में प्रमुख होंगे। ये अलग पद है जिसमें 122 पद जो है सृजित किए गए हैं, मतलब रिक्ति मांगी गई है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का। उसके बाद देखिए, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जो है, इसके 133 पद भरे जाने हैं, ठीक है। तो और ग्रामीण विकास पदाधिकारी 151 है। सहायक निबंधन सहयोग समितियां के लिए 41 पद की जो है सृजित हैं। उसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो पद है बिहार पुलिस का है, और जो बीपीएससी में जो है बिहार पुलिस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, साथ साथ जो है प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड जो पद है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड कोई भी पद नहीं है अब तक, तो बिहार पुलिस के 40 पद भरे जाने हैं। उसके बाद वाणिज्य कर पदाधिकारी यानी CTO के 10 पद भरे जाने हैं, ठीक है। तो जाकि हालांकि बहुत कम है, बिहार पुलिस अब वाणिज्य कर पदाधिकारी यानी CTO के बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं, स्केल भी इसका अच्छा होता है। अब देखिए, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के 4 पद हैं, अवर निदेशक, ठीक है, अवर निदेशक के 6 पद। उसके बाद प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 29 पद। उसका जिला अंकेक्षण पदाधिकारी जो होंगे वे 5 पद इसके लिए है। देखिए, इस तरह कुल जो है 1235 पद हो जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद भी दोस्तों संभावना जो है प्रोबेशन ऑफिसर का है, और प्रोबेशन ऑफिसर के 34 पद की संभावना भी बन रही है, और कारा अधीक्षक के 7 पद। तो टोटल 1276 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतने पदों पर भरे जाने हैं वैकेंसी। तो यही था मेन उद्देश्य इस वीडियो का। अब है दोस्तों की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, और उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि नए सिरे से, और इस अभी रिसेंटली जो ग्रेजुएट हुए हैं या जो कमीशन की जो है तैयारी करना चाहते हैं, खासकर बीपीएससी की, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से समय जो है पर्याप्त होगा उनके पास,
उनके लिए जो है। तो अगर इससे जुड़ा हुआ और तमाम वीडियो जो है देखना चाहते हैं बीपीएससी से जुड़ा हुआ, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप बीपीएससी जीके से रिलेटेड जो है वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर डिटेल में देखना चाहते हैं कि कितने कौन कौन से जो रूल रेगुलेशन जो है इस परीक्षा के लिए होंगे, उन सब बातों को देखने के लिए जो है सिलेबस, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में एक सिलेबस है, उस सिलेबस के माध्यम से आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, देखिए जो आरक्षण है तो आरक्षण जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन जो कुछ नया जुटा है तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो है जारी पत्र में जो है बीपीएससी की 64वीं सिविल सेवा परीक्षा में 35% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो कि पीछे से भी है। अब 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती और नतनी के लिए आरक्षित होंगी, वहीं 4% सीटें जो है दिव्यांगों के लिए तय की गई हैं। विभाग की ओर से सभी रिक्तियां मिलने के बाद सामान्य प्रशासन द्वारा आयोग को सूची जो है सौंपी जाएगी। तो ये अभी सौंपी जानी बाकी है, अभी बीपीएससी के पास इस तरह का कोई ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए नोटिस भी नहीं आया। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग जो है बीपीएससी को देगा इस तरह का जो है, तो उसके बाद जो है वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन आप तैयार रहिए, क्योंकि तैयारी एक दिन की होने की नहीं है, भले ही आप परीक्षा के 5 दिन 10 दिन पहले नहीं पढ़े, लेकिन अभी से परीक्षा के आखिरी 10 दिन तक जो है, यानी कि परीक्षा होने से 10 दिन पहले तक पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो है, कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर वीडियो और जानकारी बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके। क्योंकि दोस्तों बीपीएससी की परीक्षा में जो SC ST के जो कैंडिडेट होंगे और पास अगर करते हैं PT, तो उनको 50,000 बिहार सरकार द्वारा जो दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सभी लोग लग जाइए, ठीक है। तो अब दोस्तों डू नॉट फॉरगेट लाइक, अगर पसंद आया तो लाइक करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें आने वाले तमाम वीडियो के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात और, बीपीएससी की तैयारी अलग से करने के लिए अगर कोई चाहते हैं तो उसका एक शेड्यूल बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो इस चैनल के माध्यम से जो है बीपीएससी को फोकस करके जो है आपके लिए वीडियो तैयार रहे, ठीक है। तो उसके बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिर भी इससे संबंधित कुछ अगर जानकारी या कुछ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।